दोस्तों आपने कई बार मीडिया डाउनलोडिंग या फिर मीडिया स्ट्रीमिंग के बारे में सुना ही होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मीडिया स्ट्रीमिंग और मीडिया डाउनलोडिंग में क्या अंतर है तो ये वीडियो देखते रहिए। मैं नाम निशान चौधरी, आप देख रहे हैं जान बात। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि मीडिया स्ट्रीमिंग और मीडिया डाउनलोडिंग इन दोनों में आखिर अंतर क्या है। अगर आप कोई वीडियो सीधा ऑनलाइन देखते हैं यानी कि ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं ये हुई स्ट्रीमिंग, या फिर आप किसी और साइट पर कोई वीडियो देख रहे हैं वो हुई जिसे आप ऑनलाइन देखते हैं वो वीडियो हुआ स्ट्रीमिंग वीडियो, पर कोई जो वीडियो से आपने फोन में सेव कर रखा है वो हुआ डाउनलोड वीडियो। इन दोनों में से इतना ही अंतर है कि जो स्ट्रीमिंग मीडिया है उसे आप इंटरनेट से सर्व करते हैं यानी किसी डेटा सेंटर में वो स्टोर है वहाँ से आप उसे अपने स्मार्टफोन देखते हैं थ्रू इंटरनेट, मगर जो डाउनलोड वीडियो है उसमें ऐसा नहीं होता, वो वीडियो सीधे आपके फोन में स्टोर होते हैं वहाँ से आप उन्हें जब चाहे तब देख सकते हैं, चाहे आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो या ना हो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ये फर्क होता है स्ट्रीमिंग और मीडिया में। अगर आप कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं या फिर उसे स्ट्रीम करते हैं दोनों में बराबर डेटा कंज्यूम होता है, मगर इसमें जो डाउनलोडेड वीडियो है उसे आप कभी भी देख सकते हैं, मगर जो स्ट्रीम वाले वीडियो है उसे आप बिना नेटवर्क के नहीं देख सकते। ये अंतर है डाउनलोडेड मीडिया और स्ट्रीम मीडिया में। मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा डाउनलोड स्ट्रीम्ड और डाउनलोडेड मीडिया में क्या अंतर है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।